हाँ जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हसन नाज़िर के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ जी। इस वक्त नॉर्थ हैम्पटन की किस्त नंबर 2 लेकर आपके पास, और मेरे साथ यहाँ मेरे क्रम गस्तर या कुछ हमारे बुज़ुर्ग साथी हैं, उन्होंने मेरी मदद की है आज यहाँ। थैंक यू वेरी मच सर। और ये मरकज़ी स्ट्रीट है और ये वो चर्च है जो मैं पिछली किस्त में भी आपको दिखा चुका हूँ। दिस इज़ द फर्स्ट चर्च, और मैं यहाँ से आस्ते आस्ते आपको स्ट्रीट वॉक करते हुए लेकर जाना चाह रहा हूँ। आज रात को बर्फ़ पड़ी है, ये आप देख सकते हैं, ये बर्फ़ के मनाजिर आप, और उम्मीद ये है कि ये बर्फ़ जो है वो उसके सिलसिला गलबन पूरे एक हफ़्ते तक रहेगा, और इस पूरे हफ्ते में यहाँ जो बर्फ़ है उसके बाद भी ठंड होती है, और आज सूरज निकला हुआ है लेकिन इसके बावजूद ठंड बहुत है। मैंने भी आज ज़रूरत से कुछ कम कपड़े पहने हैं और मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है, ठंडी हवाएं चल रही हैं। अभी भी मैंने एक कॉफ़ी का बड़ा सा मग पिया यहाँ पे, अपने आप को जो है मैंने थोड़ा गर्म किया है, और दोबारा से मैं जो है वो हिम्मत पकड़ी है और आपके साथ मौजूद हूँ। ये मेन स्ट्रीट है नॉर्थ हैम्पटन की। नॉर्थ हैम्पटन एक बड़ा खूबसूरत सा एक मिनी शहर है यहाँ मैसाचुसेट्स में, और सुबह का आगाज़ हो चुका है, और ये एक उल्लू है। ये आप एवर ट्रेगर मेमोरियल है, अगर आप देखना चाहें इसको, ठीक है। एवर ट्रेगर ये कंट्री कंफर्ट है, इसमें बशीर अहमद एक नाम लिखा हुआ नज़र आ रहा है आपको, ठीक है ना। ये एक पाकिस्तानी या शायद मुस्लिम कोई थे पाशाज, ये उन्होंने डाउन टाउन नॉर्थ हैम्पटन की मेमोरी दोज हु हैव हैड अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन द वाइटैलिटी ऑफ डाउन टाउन नॉर्थ हैम्पटन जी। ले जी, ये जी को बशीर साहब भी यहाँ पर रहे हैं जी, तो ये बशीर साहब की मेहरबानी नॉर्थ हैम्पटन के साथ मौजूद रही है। हेलो, हाउ यू डूइंग। ये देखें आप लोग, इस सामने इंतहा खूबसूरत एक बिल्डिंग नज़र आ रही है हमें, और हम उस बिल्डिंग को देख रहे हैं। ये नॉर्थ हैम्पटन की जो है ना वो सेटलमेंट की गालिबा एक बड़ी एक निशानी है, यूँ लग रहा है जैसे कोई चौबुर्जी जैसे लाहौर में है उस तरह की ये इमारत है। इंतहाई खूबसूरत इमारत है ये, और ये एक आउटलेट है जी, शॉप नज़र आ रही है आपको। ये सिटी हॉल का दफ्तर है जी सामने जो आपको नज़र आ रहा है, सेटल इन 1654, 1654 में ये शहर जो है ये बनाया गया गालिबन। आपको ये सिटी हॉल नज़र आता है, ये सिटी हॉल की मेन बिल्डिंग है, ठीक है। इंतहाई खूबसूरत बिल्डिंग है ये, यकीनन देखने लायक है। जैसे कि लाहौर में मैं बता चुका हूँ कि चौबुर्जी है, इस तरह की ये इमारत है। उसके सामने जो है ना वो मेमोरियल हॉल की बिल्डिंग नज़र आ रही है आपको, मैं आपको करीब से दिखाता हूँ ज़रा मेमोरियल हॉल की बिल्डिंग, ठीक है। ये ख़तरे से खाली नहीं है, तो लिहाजा मुझे ज़ेब्रा क्रॉसिंग से ही क्रॉस करना चाहिए, बसूरत दीगर आप जानते हैं कि मेरे साथ क्या हो सकता है। जी जनाब, मैं ज़ेब्रा क्रॉसिंग से जा रहा हूँ, और मेरा जो है थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। ट्रक साहब आके रुके हैं जी, उन्होंने मुझे जगह दी है, थैंक यू वेरी मच। आप गए, और ये है नॉर्थ हैम्पटन की सेटल इन 1654, बहुत ही खूबसूरत बिल्डिंग। और उसके बाद हम जा रहे हैं आगे को बढ़ते हुए, अच्छी ठंड है, इट्स टू कोल्ड। Yeah, Tocqueville, Unitarian Society of Northampton and Florence, the best lies on their privilege, not as a badge of honor, but as a reminder to be constantly listening and learning to become better at offering support to others. Lein ji, ye aapko nazar aa raha hai ek khoobsurat Unitarian Society ka office, theek hai, खूबत कह लें आप इसको, कुछ भी नाम दे दें आप इसको। इस वक्त मेरे कान जो है ना वो ठंड से, यकीन कीजिए कि ठंड शल हो रहे हैं। द फर्स्ट नाइट नॉर्थ हैम्पटन
मेमोरियल हॉल है जी ये भी, इसकी सैर करते हैं, देखते हैं कि ये क्या है जी। ये देखिए जी, ये बेल आपको जगह जगह नज़र आती है अमेरिका के अंदर, ठीक है ना, फिलाडेल्फिया से लेकर और हर जगह पर आपको ये बेल नज़र आएगी, ठीक है। ये USS Northampton इस पर लिखा हुआ है और ये वर्ल्ड वॉर की निशानियों में से एक है, मैं हटा के दिखाता हूँ आपको जी। वर्ल्ड वॉर वन, इस पहली जंग अजीम में कुछ जो लोग वो मारे गए हैं उनकी निशानियाँ आपको नज़र आ रही हैं। ये एक सिपाही, ठीक है, और ये एक और सिपाही, उसका मुजस्मा आपको नज़र आ रहा है यहाँ पर। जो लगता है कि अगले ही लम्हे ये आपसे बातें करने लगेगा। ये बर्फ़ की सफ़ेद चादर बिछी हुई है, सामने कॉफ़ी शॉप, कॉफ़ी पिए जी यहाँ के, कॉफ़ी अमेरिकन कल्चर का एक बड़ा अहम हिस्सा है। और हम आस्ता आस्ता जो है वो बढ़ते हुए अपनी मंजिल की जानिब। ये एक पार्क है जी, और इस पार्क का मंज़र आप देख सकते हैं कि किस कदर खूबसूरत पार्क, ठीक है। और यहाँ ये ई बाइक्स का एक सिलसिला है जी, आप बाइक लॉक होती हैं, आप पैसे दें और साइकिल चलाएं और घूमें फिरें। ये वो पार्क है और जिसमें झूले लगे हुए हैं, लेकिन इन झूलों में कोई इस वक्त बच्चे बड़े बूढ़े मौजूद नहीं है, ठीक हो गया। और ये कुछ लोग हैं आ जा रहे हैं, ये सिटी की तरफ से देखिए आप, बर्फ उठाने का काम किया जा रहा है। ये एक बस है PVTA, ये वो बसें हैं जो यहाँ से चलती हैं मुख्तलिफ इलाकों में, नॉर्थहैम्पटन, स्प्रिंगफील्ड, वेस्ट स्प्रिंगफील्ड, आगवाम और मुख्तलिफ और जगहों के ऊपर। ये बड़ा खूबसूरत सा एक वॉल क्लॉक लगा हुआ है, वॉल क्लॉक नहीं है, घड़ियाल कह सकते हैं आप इसको। ये टैको बार जी, ये टैको ज़रूर खाया करें जी, ये हमारी बड़ी यादें हैं। और ये है वो बड़ी खूबसूरत सी बिल्डिंग, ठीक है, जिसको देखकर यकीन मानिए कि रूह में आसूदगी सी आ जाती है। अकेडमी ऑफ म्यूज़िक, ये एक बहुत ही खूबसूरत बिल्डिंग है यहाँ की, आपको बड़ा लुत्फ़ आएगा यहाँ पर। अगर आप मौसीकी के रसिया हैं तो नॉर्थहैम्पटन की ये जगह जो है वो आपके लिए यकीन मानिए कि एक बहुत ही खूबसूरत और काबिल दीद मकाम में से एक मकाम हो सकती है। और यहाँ से आप जो है वो मौसीकी की तालीम भी ले सकते हैं। प्रेजेंटेड टू द सिटीजन्स ऑफ नॉर्थहैम्पटन, ठीक है, ये 1892 में देखें ये म्यूज़िक के हवाले से बिल्डिंग बनाई गई है जी। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं यहाँ से कि किस किस कदर पुरानी जो है ना वो इमारात यहाँ मौजूद हैं और कैसे संभाल के उन्होंने ये अपना वर्षा रखा हुआ है जी। इससे आगे हम बढ़ते हैं एक चर्च की जानिब, देखते हैं कि जो हमारा चर्च है वो किस कदर खूबसूरत है जी। ये हम आगे जा रहे हैं और हम देख रहे हैं जी, ये एक बड़ी खूबसूरत सी चर्च की बिल्डिंग नज़र आ रही है आपको, बहुत ही प्यारी बिल्डिंग है ये, कल बिल्कुल जदीद चर्च शायद बनाया गया है। और उसके साथ ही एक और चर्च का सामना था मुझे मुनीर। हेलो, हाउ आर यू डूइंग? थैंक्स। ये आज एक स्कूल है जी, डॉक्टर द डी ए सुलिवन स्कूल, ये इसकी एक खूबसूरत सी इमारत आप देख रहे हैं। और इसमें जो सबसे अहम चीज़ है, द इंटरनेशनल लैंग्वेज इंस्टीट्यूट ऑफ मैसाचुसेट्स, वी टीच लैंग्वेजेस। मुझे नहीं पता कि यहाँ उर्दू भी पढ़ाई जा रही है या नहीं, लेकिन ये एक बड़ा अहम इदारा है यहाँ नॉर्थहैम्पटन का। और उसके बाद द फर्स्ट बैप्टिस्ट चर्च, ये जी आपको चर्च नज़र आ रहा है,
और बिल्कुल दाएं तरफ एक और चर्च है जी। यहाँ भी ऐसे ही है जी जैसे हमारे यहाँ मुख्तलिफ मसालिक के लोगों की अपनी अपनी मस्जिद हैं, इसी तरीके से यहाँ भी मुख्तलिफ लोगों की जो है वो उनके मुख्तलिफ किस्म की चर्च हैं। कोई कैथलिक का होगा, कोई प्रोटेस्टेंट का होता है, हत्ता कि मुख्तलिफ इलाकों के लोग भी जो है उन्होंने भी अपना अलग अलग चर्च बनाया हुआ है। पता कि मैंने रशियन चर्च, ब्राज़ील चर्च, अर्जेंटाइन के चर्च और इस तरह के चर्च भी जो है ना वो देखे हैं यहाँ पे मैसाचुसेट्स के अंदर। कितना खूबसूरत मंज़र आपको नज़र आ रहा है, बर्फ़ में ढकी हुई है शहरा और इर्द गिर्द के इलाके, कितना खूबसूरत मंज़र पेश कर रहे हैं। और इस तरह वॉकिंग पे जाके ये बनाना बड़ा मुश्किल है वीडियो जी। और ये एक और अहम बिल्डिंग है नॉर्थहैम्पटन की, ठीक है, ये एक लाइब्रेरी है जी, फोर्ब्स लाइब्रेरी। इतना ही खूबसूरत बिल्डिंग मैं आपको उसके करीब से दिखाना चाह रहा हूँ। लाइब्रेरी मेरी भी एक अहम आप कह लें कि बिल्डिंग में से एक बिल्डिंग होती है जहाँ मैं ज़रूर कोशिश करता हूँ कि जब भी जाऊँ ख़ुद भी विज़िट करूँ और आप लोगों को भी विज़िट कराऊँ यहाँ का। हेलो, हाउ आर यू डूइंग जी। यहाँ से आने जाने वाले लोग जो है वो आपसे सलाम दुआ करते हैं और आपको भी सलाम दुआ का जवाब देना पड़ता है जी। स्मिथ कॉलेज जी, ये है सबसे यहाँ की मशहूर जगह, स्मिथ कॉलेज बहुत मशहूर है यहाँ का। तो ठंडी हवाएं चल रही हैं और आप यकीन कीजिए कि बड़ा मुश्किल हो रहा है मेरे लिए कैमरे को हाथ में पकड़ना, बहुत मुश्किल हो रहा है, बहुत ठंड है क्योंकि मैंने दस्ताने भी नहीं पहने हुए। ये भी एक बड़ी गलती जो है वो मैंने की है, आज अंडरस्टैंड कर गया हूँ मैं। या दूसरे मामलों में आप ये समझें तो खुद को कुछ जरूरत से ज़्यादा ही मैंने जवान जो है ना वो समझ लिए। जी साथियों, मैं असनैन नाजिश इस वक्त आपके साथ मौजूद जी। नाजरीन, मैं असनैन नाजिश आपके साथ हाजिर था इस वक्त नॉर्थहैम्पटन में और आपने देखा कि मैंने किस कदर सर्दी में रह के बर्फ़बारी के दौरान आपको नॉर्थहैम्पटन की सैर कराई। नॉर्थहैम्पटन जो है वो एक बहुत अच्छा और बड़ा खूबसूरत और पुरसकून और पुरफ़िज़ा किस्म का शहर है मैसाचुसेट्स में यहाँ पर। और आज रात को बर्फ़बारी हुई यहाँ, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी जो किस्त पसंद आई होगी और यहाँ का जो आपने म्यूज़िक के हवाले से इल्म के लिहाज से स्मिथ कॉलेज आपने देखा, सिटी हॉल आपने देखा और शहर के चर्च बहुत से जो है ना वो आपने देखे जो कि यहाँ नज़दीक ही थे मेन स्ट्रीट में। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह आपके मेरे साथ जो है वो आगे भी रहेगा और अगली किसी नई किस्त में किसी नए मुकाम पर हसनैन नाज़िश आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर होगा। जब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।